दोस्तों आज का जो ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जन्माष्टमी से पहले हम लोग हर साल मटकी फोड़ने का एक गेम है वो खेलते हैं। सर थोड़ा सा उसमें एक्साइटमेंट लेवल में थोड़ी सी कमी है लेकिन हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। और हम लोग आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि हम लोग दो टीम होती है हमारे यहाँ, एक लड़कियों की एक लड़कों की। और ये बहुत ही आश्चर्यजनक आपको बात लगेगी कि पिछले दो साल से हमारी लड़कियाँ ही जीत रही हैं और आज का ये जो मैच है देखते हैं कौन जीतता है। तो क्या लड़कियाँ जीतेंगी? इधर बॉयज ऐसे ही जीत गए, सब लोग से ज्यादा चीयर करो। लड़कों की आवाज है मजबूत। तो ये मटकी टांगने वाले मास्टर हमारे बीच में हैं, इन्होंने अपने हाथों से मटकी को सेट कर दिया है। ये देखिए धीरे धीरे आती है और धीरे धीरे इसकी ऊंचाई सेट कर जाएगी। और इसमें क्या क्या है कौन बताएगा? बता दो, इसमें बहुत सारा दूध डाला गया है और दही भी डाला गया है। श्री कृष्ण भगवान ने मक्खन निकाला था और बोल के खा लिया आते थे, निकाला था जानकारियाँ दे दी है। तो ये हाइट कम है, थोड़ा सा हाइट बढ़ानी चाहिए। हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी नीचे थोड़ा तो पता चलेगा। टॉस टॉस के लिए तैयार रहो, आ गया आओ। लो आओ कैप्टन, आओ। कौन कौन बना है? हाँ मिल गया कॉइन, उधर से आओ एक लोग आओ। तो इधर से हमारे बीच में बॉयज की टीम से है अर्जुन, जोश बहुत ही कम है, नजर नहीं आ रहा है। क्या हारने वाले हो? मोहित को कैप्टन बनाइए, बोल नहीं पा रहे। और लड़कियों के साथ में कैप्टन में काजल, काजल है। और मेरे पास है 5 रुपए का सिक्का, इससे होगा टॉस। हेड आया हेड, तो बताओ पहले तुम जाओगे कि ये लोग जाएंगे? बॉयज ने ये डिसाइड किया है कि सबसे पहले बॉयज जाएंगे और अपनी कोशिश करेंगे उसको तोड़ने। तो एक बार जोरदार तालियों से बॉयज का हम लोग स्वागत करेंगे। तो बहुत ही रोमांचक मोड़ पर है ये मटकी फोड़, और भी हाइट बढ़ाते हुए ऐसा। दोस्तों कैमरे की सोच है उसको खींचना नहीं, रस्ते को पहले बता रहे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और देखो और झुको झुको और झुको, इतना नहीं यार उठ नहीं पाओगे फिर। हाथी घोड़ा पालकी, तो ये लड़कियों की बारी है और ये पैर जमा के रखी है काजल ने। चीटिंग नहीं होगी, पूछना नहीं चाहिए। आराम से चोट ना खाना। मिला मिला दिखा, अरे चीटिंग हो गई क्या? तो फाइनली फाइनली लड़कियां जीतते हुए, तो ये लड़कियों ने
खाली डायलॉग मारने वाले कहते हैं भैया, हमने पहले मना कर दिया था, तुम लोग के पास दिमाग नहीं है। तो क्या मत है, कैसा लग रहा है बेटा? हार के बाद बहुत खुशी हो रही है। तो जीत के कहने का मतलब ये है कि हारने के बाद भी इनको खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि ये अगली बार कोशिश करेंगे। कोई बात नहीं, अब तुम्हें जीत के क्या दुख हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, गेम में नहीं था, गिनने वाले गेम में था।